हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे प्रागवन एंड ग्राफिक्स में स्वागत है। आज मैं फिर से एक पीएचडी बंडल लेकर के आया हूं, जो कि मैजिक पीएचडी है। आप लोग जैसे जानते हैं कि ड्रैगन ड्रॉप पीएचडी है, वो लेकर के आया हूं। और इसमें चार पार्ट का पासवर्ड होगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें तभी ये पासवर्ड मिल पाएगा। और पासवर्ड जैसे डालेंगे, चेक करेंगे और आप पीएचडी को यूज में ले सकते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो एक ने वीडियो डाला था ऑटोमेटिक 12 चुके तड़गम डिजाइनिंग, तो ये कैसे काम करता है उसको वीडियो में बहुत लोग कम समझ पाए हैं कि किस तरह से ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोटो को पहचान लेता है। तो इसके बारे में हम आपको और थोड़ी सी जानकारी दे दें कि इसमें जो फाइलें हैं, वो जो डाटा है, इसमें जो डाटा आपको मिलता है, लगभग अगर हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं तो ये 7470 फाइलें हैं, जिसमें कि 20 फोल्डर दिख रहे हैं और इसमें JPG भी हैं और PSD भी हैं। तो आप 7000 को आधा कर लीजिए, आप समझ सकते हैं कि कितनी फाइलें हैं इसमें। तो कितनी PSD फाइलें आपको मिल रही हैं। PSD फाइलें आप देख पा रहे हैं कि एकदम से लेटेस्ट और न्यू PSD फाइलें हैं, जो आजकल फैदर वाली मार्केट में चलती हैं, वो सारी PSD फाइलें हैं इसमें। तो आज हम आपको एक बार और बता देते हैं कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद हम बताएंगे कि आज जो मिलने वाली PSD फ्री PSD मिलने वाली हैं वो कैसे आपको मिलेंगी। तो उसका जो आज PSD मिलने वाली हैं, तो उसका पहला पासवर्ड 3 है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला पासवर्ड 3 है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने फ़ोटोशॉप पे आ गए और फ़ोटोशॉप के बाद में हम यहाँ से सेव इन का फ़ोटो लेते हैं और सेव इन की कोई भी PSD हमने एक ले ली। ये PSD ले लिया, इसमें दो तरह से होता है, एक JPG भी होता है, PSD भी होता है। PSD हमने खोला, ये ले लेते हैं, इसमें खड़ी भी है, टेढ़ी भी है, तो इसको हम लेते हैं और ओके करते हैं और ये आ गया। और आप जहाँ पर पिन कर रखे हैं फोल्डर को, उसमें वो बता रहा है कि 6 हॉरिजॉन्टल लेनी है, तो 1 2 3 4 5 6 करके ओके करेंगे। और इसके बाद में वो वर्टिकल अगर लगी होगी तो वर्टिकल मांगेगा। अब देखो ये वर्टिकल मांग रहा है, वो कह रहा है कि एक फ़ोटो वर्टिकल भी चाहिए, तो एक फ़ोटो हम वर्टिकल भी दे देते हैं, फिर इसको हम ओके करेंगे। इस तरह से ये आपका PSD तैयार कर देता है। और इस PSD में अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हमें ये फ़ोटो इधर चाहिए थी, ये फ़ोटो इधर चाहिए थी, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में स्वैप फोटो पे करेंगे तो ये आपस में चेंज हो जाती हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि फिट टू फ्रेम होता है, थोड़ा बहुत जो भी एडजस्ट करना होता है आप कर सकते हैं, कंट्रोल टी से छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, फ़ोटो को बदल सकते हैं। तो ये एक्शन ऐसा है कि आपका बहुत सारा टाइम बचाता है। तो ये आपको हमने बता दिया कि खड़ी और पेड़ी कैसे ये पहचान लेता है। एक बार में खड़ी फ़ोटो लेगा, दूसरी बार वो फिर से सिलेक्शन मांगता है, उसके बाद पेड़ी फ़ोटो ले लेता है, ऐसे करके ये और एक बार में सब फिट टू पेज कर देता है। इसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं, इसको बैच में भी JPG लगा करके इसको छोड़ सकते हैं आराम से, ये PSD से JPG बना देगा। इस तरह से ये यूज होती है। इसको हम नो करते हैं, हमें सेव नहीं करना है, हमें सिर्फ आपको बताना था। ये थी इसमें आज की जानकारी कि ये खड़ी और पेड़ी फ़ोटो कैसे पहचान लेता है। अब चलते हैं हम अपने जो आज देने वाले हैं हम PSD फाइल, तो उसका दूसरा पासवर्ड 5 है, उसका दूसरा पासवर्ड 5 है। और हम आपको दिखाते हैं कि ये कौन सी PSD फाइलें हम देने वाले हैं। तो जो आज देने वाले हैं उसकी PSD फाइलें ये हैं, आप लोग देख लीजिए, ये PSD फाइलें हैं, ये टोटल 60 हैं, जिसमें कि इसमें JPG भी हैं,
और PSD फाइलें भी हैं। तो इसमें जो 60 फ़ोटो और PSD दोनों मिला कर के हैं, तो इसमें हम PSD हटा देंगे, सॉरी JPG हटा देंगे और आपको PSD ही मिलेंगी। तो इस आप देखिए लेटेस्ट PSD फाइलें हैं, आप लोग डाउनलोड करिएगा। इसमें लगभग आपको 30 PSD मिल जाती हैं और 30 PSD आपको एकदम से फ्री मिलती हैं, जिसका कि तीसरा पासवर्ड 7 है। आप लोग नोट कर लीजिए, 4 पार्ट में पासवर्ड है इसका और आप लोग इस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फ़ोटो में बता भी देते हैं कि कैसे काम होता है। जैसे ये वाली PSD फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं फोटोशॉप पे। ये ओपन हो गया और हम अपनी कोई भी फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे कि ये फ़ोटो है, फ़ोटो पे इस तरह से कहीं रख देंगे। अब इसमें देखिए उठा करके सिर्फ ट्रैक करना है, फ़ोटो को उठाना है और ट्रैक करना है, आपकी फ़ोटो लग जाती है। और इसको इधर उधर कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। अभी क्या है, सिर्फ अभी हम फ़ोटो लगा करके आपको दिखा रहे हैं कैसे फ़ोटो इसमें लग जाती है। तो आप लोग इसको देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये आपका लग जाता है। इसमें बहुत बड़ी फ़ोटो लगी है, इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड आया है। ये फ़ोटोएँ बड़ी हैं, रॉ फ़ोटोएँ हैं, इसलिए ये बड़ी फ़ोटो हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटो हैं, इनको भी मैनुअली छोटा करना पड़ेगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि हम कैसे इसको फ़ोटो लगाते हैं। उसके बाद में हमें थोड़ा बहुत इसको मॉडिफिकेशन करना होता है, जैसे कि कंट्रोल टी करा, आप देखिए कितनी बड़ी फ़ोटो है, इसको हमें छोटी करनी होती है। छोटी करके अब जब लगाएंगे तो ये अच्छी लगेगी। अभी बहुत बड़ी बड़ी फ़ोटो हैं, जैसे कि इसमें एक फ़ोटो बड़ी लगी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इसको हमें छोटा कर रहे हैं हम लोग फ़ोटो, इस तरह से। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली PSD हैं जो कि आपको आज एकदम फ्री मिलने वाला है। ये ऐसे करके सेट करना होता है और जो भी हमने एक्शन बताया उसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, ऑटोमेटिक फिट PSD हो जाती हैं। ऐसे करके ये फोटोएं लग जाती हैं, आप जो भी इधर उधर करना हो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कम समय में फ़ोटो लग जाती है। फ़ोटो लगने के साथ साथ आप इसको आराम से JPG PSD जो भी है वो सेव कर सकते हैं। और आप इसके लिए आप WhatsApp कर सकते हैं, इसके बारे में एक्शन और PSD पाने के लिए WhatsApp कर सकते हैं। PSD बहुत ज़्यादा PSD हैं, इसीलिए उसका इतना कम दाम रखा गया है। अगर उसको देखा जाए तो एक PSD कुछ पैसे की ही पड़ती है, इतनी सारी PSD आपको मिल रही, वो भी नहीं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ले सकते हैं और उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो इसका जो चौथा पासवर्ड है वो है 8। जो ये PSD मिलने वाली हैं आज, इसका चौथा पासवर्ड 8 है। आप देख रहे होंगे कि ये कितनी बेहतरीन PSD हैं जो आप लोगों को फ्री मिलने वाली हैं। तो ये आप लोग इसको डाउनलोड करिएगा, अपने इस्तेमाल में लीजिएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं बता दूं कि जितना हो सके वो लोग जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, क्योंकि मैं एक ही प्लेटफॉर्म को देख पा रहा हूँ। तो अगर टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात रहेगी, सारे लोग टेलीग्राम में आ जाएं। और टेलीग्राम पर आने से आप लोग क्या करें कि व्हाट्सएप ग्रुप से हट जाएं, क्योंकि फिर
ऐसा होगा जैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग कम हो जाएंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दूंगा, मैं टेलीग्राम में ही फोकस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं इसी तरह का वीडियो लेकर के।